हेलो एवरीवन, तो समर्स में आपको एक दिक्कत काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, यानी कि स्किन का काफ़ी ज़्यादा ऑयली होना, चिकना होना, ठीक है, काफ़ी अजीब सा आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि चिपचिपापन देखना स्किन पे, तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है और उसके साथ में एक्ने भी आने लग जाते हैं। तो क्या इस चीज़ को सही किया जा सकता है? जैसे कि मेरी स्किन है बिल्कुल साफ स्किन है, तो क्या इस वजह से स्किन हो सकती है या नहीं हो सकती? काफ़ी लोगों को जैसे विंटर्स में तो उनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा साफ हो जाती है, क्लियर हो जाती है, मतलब सही रहती है, बट जैसे ही समर्स आते हैं, ये राजस्थान एरिया साइड में या मुंबई साइड में भी बोल सकते हैं, जब मॉनसून का टाइम रहता है, उमस वाला टाइम हो जाता है, तो उस टाइम उनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ऑयली, पसीना वगैरह आता है, तो ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो उस स्किन की केयर कैसे कर सकते हैं, क्या वो सही हो सकती है या नहीं हो सकती है? आज के वीडियो में कम्प्लीटली बताऊंगा, बट उससे पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। ओके, तो देखो समर्स में आपकी स्किन का ऑयली होना काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है, ठीक है। समर्स में सबकी स्किन ऑयली दिखने लग जाती है, मतलब जिनकी स्किन ड्राई रहती है वो तो नहीं ऑयली होती, बट जिनकी स्किन ऑलरेडी ऑयली होती है वो बहुत ज़्यादा ऑयली दिखने लग जाती है, या बहुत ज़्यादा चिपचिपापन आपको आपकी स्किन पर देखने को मिल जाता है, कुछ मौसम भी ऐसा हो जाता है, तो इसके कारण आपको ये सब दिक्कत तो देखने को मिलती है। अब जो पहाड़ी इलाके के साइड रहते हैं, ठीक है, वहाँ पर तो इतने अच्छे पेड़ वगैरह रहते हैं, ठंडी हवा चलती रहती है, वहाँ पर ये दिक्कत उन्हें देखने को नहीं मिलती, जैसे कि एक्ने वगैरह। अब आपने देखा होगा कि से बोलते हैं कश्मीर साइड में ब्यूटी है, तो वो इसी कारण है, ठीक है, वहाँ का वेदर ही इस वजह से रहता है। और जैसे हिमाचल साइड भी बोल सकते हो, उत्तराखंड की साइड भी बोल सकते हो, जो इलाका इस वे का रहता है जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, ठीक है, विंटर्स में तो काफ़ी ज़्यादा, बट समर्स में जैसे कि ठंड रहती है, धूप भी निकलती है बट ठंडी हवा चलती रहती है, उमस वगैरह नहीं होती, तो उस टाइप की जगह पर ये सब दिक्कत ज़्यादा देखने को नहीं मिलती या होती नहीं है। बट जहाँ पर अगर राजस्थान साइड देख लोगे, पंजाब की साइड देख लोगे, गुजरात की साइड देख लोगे, महाराष्ट्र की साइड देख लोगे, या अदर और भी मतलब जैसे स्टेट्स वगैरह रहती है उनकी साइड भी देख लोगे, वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, दिल्ली साइड भी आप देख सकते हो इस चीज़ को। तो इसका कारण क्या, वहाँ पे लोगों को ज़्यादा एक्ने वगैरह, पोल्यूशन वगैरह भी रहता है, ठीक है, एक्ने वगैरह फिर देखने को मिल जाते हैं। अब ये स्किन का ऑयली होना बिल्कुल नॉर्मल है, स्किन ऑयल प्रोड्यूस करेगी, सीबम प्रोड्यूस करेगी, कुछ मौसम इस वजह से रहता है, ठीक है, उसके कारण ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है। इसके कारण फिर क्या होता है, आपके स्किन के पोर्स भी क्लॉग्ड होने लग जाते हैं, जिसके कारण आपको स्किन पे एक्ने जैसे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती है। मेरी स्किन पे भी पर्सनली ये दिक्कत हो जाती है। अब देखो, आप लोग मुझे चाहे YouTube पे देख रहे हो, ठीक है, इसका मीन्स ये नहीं है कि मैं बिल्कुल फ्री रहता हूँ या बहुत अच्छे से केयर करके मतलब पड़ा रहता हूँ इसी में, नहीं रहता, ठीक है, मेरे को भी काम रहता है, बिजनेस भी देखना होता है, तो इन सब चीज़ों से ही मैं निकल कर भी अपनी स्किन की केयर करता हूँ साथ में, तो वहाँ पर भी मुझे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स देखने को मिलते हैं, मतलब आप लोगों की तरह ही मान लो मुझे भी, ठीक है, मैं केयर भी कर रहा हूँ बट मेरे भी ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स होते हैं। अगर आप देखोगे कुछ यहाँ पे छोटे छोटे वाइटर्स मतलब पोर्स क्लोज्ड हुए देखने को मिल रहे हैं आपको, और इस साइड में भी है, तो ये चीज़ कब सही होगी? अब जैसे विंटर्स आएंगे तब जाकर ये चीज़ सही होगी, वैसे थोड़ा बहुत एसी में रहता हूँ बट ऐसा तो है नहीं 24 आवर एसी में रहेंगे, तो इसलिए आप इस चीज़ को बस कंट्रोल में करके रख सकते हो ताकि ये आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा ना हो। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा अपनी स्किन को वॉश करने लग जाते हैं, दिन में 3 बार फेस वॉश करने लग जाते हैं, मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं, इससे आपकी स्किन और ज़्यादा ड्राई होती है, ड्राई होने के कारण फिर आपकी स्किन और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है, फिर आपको और ज़्यादा दिक्कत देखने मिल जाती है, तो इसलिए ये चीज़ें नहीं करनी। आपको सिर्फ दिन में 2 बार फेस वॉश करना है, ऑयली स्किन है तो सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश यूज कर सकते हो, तो वो आपकी स्किन के लिए बेस्ट रहेगा। सेकंड, आप कोई सीरम यूज करना चाहते हो, जैसे नियासिनामाइड के सीरम वगैरह भी यूज कर सकते हो, ये ऑयल को भी कंट्रोल करने में हेल्प करती है, वो चिपचिपापन आपको देखने को मिलेगा बट ऐसा नहीं कि वो ऑयल एक्चुअल में आया हुआ होगा आपके फेस पे, अगर ये सीरम यूज करते हो तो इसलिए ये सीरम यूज कर सकते हो। इससे क्या कि आपके पोर्स कम से कम क्लोग्ड होंगे या होंगे ही नहीं क्लोग्ड वगैरह, अब डिपेंड करता है आप कितना ज्यादा काम में रहते हो, ठीक है, अब घर में एसी में बैठे रहने की तो एज होती नहीं है किसी की कि हर टाइम आप एसी में बैठे रहोगे, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान देना ही पड़ेगा, कुछ होंगे एक्ने वगैरह बट वो आप विंटर्स में सही कर लोगे, इसलिए बोलते हैं पेड़ पौधे लगा लो ताकि मौसम वगैरह, वेदर वगैरह सही रहने लग जाए, नहीं तो इसी वजह से आपको जैसे जिस वजह से गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है, तो इस कारण क्या इन फ्यूचर भी आपको ये सब दिक्कत देखने को मिलेगी। यहाँ पे समर्स में मतलब थोड़े बहुत एक्ने स्टार्ट होते हैं, फिर क्या कि विंटर्स में आपकी स्किन भी थोड़ी अजीब लगने लग जाती है, मतलब आप इसका ट्रीटमेंट लेते हो या तरह तरह की चीज़ें यूज़ करते हो वो सही होने के बजाय ख़राब हो जाती है, इसलिए काफी लोग मेरा प्लान भी ज्वाइन करते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके जिनको एक्ने देखने को मिलते हैं। अब सबसे पहले आपने अपनी लिस्ट में फेस वॉश ऐड कर लिया, फेस वॉश सिर्फ 2 टाइम करना है आपको, ऐसा नहीं कि बीच में लगा रहे हो जैसे नून वगैरह में लगा रहे हो, उस टाइम आप नॉर्मल पानी से धोना चाहते हो धो सकते हो, जैसे सुबह 8 से 10 बजे के बीच में आपने फेस वॉश किया या ना लिया, ठीक है, अब आपको लग रहा है 2-3 बज गए इस टाइम पे आपकी स्किन पे ऑयल आ रहा है, काफी ज्यादा अजीब सी लग रही है, तो उस टाइम पे आपने नॉर्मल पानी से धो लिया। अब उसके बाद आप नाइट में फेस वॉश करोगे फेस वॉश के साथ में,
फेस वॉश करने के बाद अगर आप सीरम लगाना चाहते हो सीरम लगा सकते हो, नहीं तो आप अगर आपको एक्ने निकल रहे हैं तो उस पर कोई एंटी एक्ने जेल यूज़ कर सकते हो। अब मॉइस्चराइज़र वगैरह भी यूज़ किया जा सकता है स्किन पे अगर आपको लगता है आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है। बट क्या रहता है कि मतलब फेस वॉश करने के बाद ड्राई हो रही है और ऑयली भी ज़्यादा हो रही है, उस पर भी कई बार यूज़ करने से ये रहता है कि ब्रेन को सिग्नल जाता है कि पहले से ही आपकी स्किन इतनी ज़्यादा मॉइस्चराइज है वो ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस ना करे। ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बोली जाती है तो इसमें आप देख सकते हो। बट क्या रहता है कि पसीना काफ़ी ज़्यादा आता है या कूलर वगैरह में रहते हो तो ये उमस वगैरह आपको देखने को मिलेगी जिसके कारण क्या आपकी स्किन ऑयली तो दिखेगी। इस चीज़ को आप सही नहीं कर सकते। हाँ, आप लोगों को लगेगा कि आप वीडियो में टाइम वेस्ट हो गया या ये चीज़ हो गई, बट एक्चुअल में यही बात है। आप चाहे 100 वीडियो देख लो, कोई बोलेगा मुल्तानी मिट्टी लगा लो आपकी मतलब ऑयली स्किन सही हो जाएगी या ये चीज़ हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। 5 से 10-15 मिनट के लिए आपको लग सकता है, फील हो सकता है कि आपकी स्किन क्लियर होगी फेस वॉश करने के बाद अगर आप एसी वगैरह में बैठे हो या ठंडा मौसम हो रखा है तो ठीक है। जैसे कि मानसून वगैरह चले गए हैं, अभी आकर मानसून चल रहा है तो उस टाइम पे आपकी स्किन चिपचिपी सी हो जाएगी, ठीक है। फिर एसी भी कुछ टाइम तक अगर आप एसी में बैठे रहोगे थोड़ा अच्छा फील होगा, बाहर निकल जाओगे फिर वही सब चीज़ें देखने मिलेंगी। तो इसलिए नॉर्मल है ये सब चीज़ें, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना कि हाँ मैं चीज़ें तरह तरह की लगाऊंगा या लगाऊंगी उससे सही होगा, नहीं। बस एक स्किन केयर रूटीन अच्छे से फॉलो करो। अब जैसे ही समर्स जाएंगे 2-3 मंथ में चले जाएंगे, जैसे कि मानसून वगैरह जाएगा, उसके बाद आपकी स्किन अगेन से सही होने लग जाएगी। अच्छा रूटीन रखना, ठीक है। बस कोई एक्ने वगैरह निकलते हैं, ब्लैक हेड्स निकलते हैं तो उसके लिए आप कोई जेल या क्रीम वगैरह यूज़ कर सकते हो ताकि वो हो जाएंगे बाद में। अभी केयर रखोगे तो कम से कम होंगे, ठीक है, कम होंगे तो उसके बाद आप उसको जल्दी से ट्रीट कर सकते हो। अगर आपने अपने फेस को तरह तरह की चीज़ें यूज़ करके मतलब ड्राई करने के चक्कर में भर लिया अपने ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स स्किन पे तो वो फिर जाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम ले लेंगे, इतने में नेक्स्ट समर्स आ जाएंगे। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। एक ऑयली फूड मत खाना इतना ज़्यादा, समर्स में तो बिल्कुल मत खाया करो ये सब चीज़ें, विंटर्स में फिर भी चल जाती है। जैसे ऑयली फूड मत खाना, जंक फूड मत खाना, स्वीट्स मत खाना, इससे बहुत ज़्यादा एक्ने हो सकते हैं आपको, ठीक है। स्वीट्स बिल्कुल बंद कर देना। और आपने जैसे कि अच्छा मतलब डाइट अपनी अच्छी रखनी है, एग वगैरह खाते हो मत खाना, गर्मी भी कर सकते हैं, मैंगो वगैरह से भी हो सकता है। और हो गया पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना, इससे आपकी स्किन सही रहेगी। जूस वगैरह पी सकते हो, पीते हो तो नींबू पानी पियो, इससे आपकी स्किन अच्छी रहेगी, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको फॉलो करनी है प्रॉपरली, आपकी स्किन बढ़िया पड़ी रहेगी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना।